आजकल जगह जगह हष्टपुष्ट लोग भी भीख मांगते नजर आ रहे हैं। विशेषकर मंदिरों के बाहर बैठ जाते हैं और वहां आए श्रद्धालुओं को परेशान करते रहते हैं। ताजा मामला एक मंदिर का है जहां एक महिला भीख मांगते हुए दिखी। इन दिनों मंदिरों के बाहर हष्टपुष्ट लोग भी भीख मांगते नजर आ रहे हैं, जिससे मंदिरों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें न तो मंदिर के पुजारी जाने को कहते हैं और न ही मंदिर से संबंधित लोग। मंदिर में आए श्रद्धालुओं का कहना है कि लोग श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं और उन्हें भीख देने को कहते हैं और न देने पर उनके पीछे ही पड़ जाते हैं और उन्हें परेशान करते रहते हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे? लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि जो रोज आज दो कल दो परसों दो कोई नए नए आते रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। मंदिर के आगे इसमें के जो भिखारी लोग हैं, जो असक्षम हैं, वो लोग बदो मांगे उनको लोभा करने वाले मदद करते हैं, लेकिन जो सक्षम है उनको ये कम से कम काम नहीं करना चाहिए। खासकर मंदिर के द्वार पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम मंदिर में आते हैं अपने मन को शांत करने के लिए और यहाँ पर बैठ जाते हैं, पैसे दे दो पैसे दे दो, तो मन तो और ही अशांत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मन अशांत हो जाता है। और दूसरा, कभी कभी तो उन लोगों का तरीका भी बड़ा गलत होता है। गाली गलत तो नहीं करते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड रहता है, बॉडी लैंग्वेज रहता है। एक बार मेरे को अच्छी तरह से 2 रुपये का पॉइंट मैंने दिया तो एकदम रिफ्यूज़ कर दिया 2 रुपये लेने का। मैंने अभी ठीक है, आपका स्टैंडर्ड 10 रुपये का हो गया, हमारा नहीं, हम समझे 2 रुपये देंगे पूछ रहे हैं। ठीक है, अपने परिचय बताइए। अल्पेश शाह। जितने लोग काम कर रहे हैं वो काम छोड़ छोड़ कर इस रास्ते पर आ जाते हैं कि हम भीख मांग लेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप यहीं आप देखेंगे तो भीख मांगने वालों के पैसे भी यूँ ही क्यों ही बढ़ते ही रहते हैं, वो आगे ब्याज पैसे देते हैं। जैसे समाज में यही चीज़ चलती आ रही है। दर्शनार्थी जो हैं वो भी परेशान होते हैं क्योंकि भिखारी उनके पीछे लग जाते हैं कि हमें भीख दीजिए। बिल्कुल गलत चीज़ हो जाती है। कई बार बदतमीजी करने लग जाते हैं भिखारी दर्शनार्थी। अगर आप भीख नहीं दें तो वो उनके लिए बहुत वो हो जाता है कि इन्हें हमें भीख नहीं दी, भिक्षा नहीं दी, वो उनके लिए गलत हो जाता है कि हमें नहीं दे रहे, और फिर वो पीछे वाले को बोलते हैं कि कुछ गलत बोलने में आ जाता है। दोनों में ऐसे बहुत बार झगड़ा भी हो जाता है। तो क्या यहाँ से पुजारी बनानी है, माला बनानी है और यहाँ पर सबकी काठी जो महिला है वहाँ पर भीख मांग रही है, क्या बोलना चाहेंगे आप? कब से यहाँ पर है ये? तो भी आए हैं 2-3 सौ रहते थे, वो तो गए हैं भी, वो बैठी है भी देते। इनको लोग पैसे देते हैं? इसमें किसका से मानते हैं? पुजारी जी भगाते नहीं पंडित जी यहाँ से? आप भी तो यहाँ काम कर रही है ना, वो भी तो कर सकती है ना। ठीक है, नाम बताइए अम्मा अपना। तबियत ठीक नहीं है, हमारे पे छत गिर गया था। कहाँ पर रहते हैं आप? हम उज्जैन रहते हैं। हाँ, उज्जैन। पूरा पता बताइए उज्जैन का। उज्जैन गदा पुलिया। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरा हस्बैंड कुछ भी नहीं करते। बेटा? ये बेटा है कौन? बेटी? बेटी उनसे साथ। ये कौन है पीछे जो बैठी है? भतीजी है। दूसरे भी यही भीख मांगने काम करवाते हैं? स्कूल जाते हैं। पापा को शोभा देता है इतने अच्छे खासे आप हैं और लोगों से? कोई नहीं, मैं तकलीफ है घुटनों में, मेरे को ऑपरेशन का बोला था डॉक्टर। अभी आपसे नहीं पूछे पट्टे चढ़ रहे हैं चांदतारा वाले। नाम बताइए अपना। नाम बताइए अपना। इंदौर से अरविंद तिवारी की रिपोर्ट।